हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो बनाया था मैंने लॉयन चाप कटर का, उस पर काफ़ी अच्छा आपका प्यार रहा, तो फिर से मैं आया हूँ नए नए मॉडल लेकर आपके साथ में। तो अगर आप एक छोटे किसान हैं, आपके पास इतना बजट नहीं है और आप चाहते हैं कि हमें भी कुट्टी मशीन खरीदनी है, तो ये कुट्टी मशीन आपके लिए हैं जी। तो चलिए तो अपन सारा सब कुछ इसका विवरण देखते हैं। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी। जी जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए, अपनी कंपनी का परिचय बताइए और पता बताइए। मेरा नाम धवल है, मैं लायंस इंडस्ट्रीज से हूँ। हमारी कंपनी है गुजरात के राजकोट जिले में, जसदण में। जैसे डायरेक्ट आप आटकोट भी आ सकते हो। जी जी, सबसे पहले हम यहाँ पर आज छोटे किसानों के लिए बात कर रहे हैं, जिनके पास बजट कम होता है उनके लिए बात करते हैं। तो आपके पास कौन कौन से ऐसे मॉडल हैं जिसके बारे में एक एक करके अपन देखेंगे, जो किसानों के काम आता है? हमारे पास 1 HP से लेकर 3 HP के लिए, क्या जो रेगुलर किसान रहते हैं, 1 से लेकर 20-25 पशु तक रखते हैं, उनके लिए भी सभी मॉडल अवेलेबल है। अच्छा, चलिए तो एक एक करके अपन समझते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले आता है 1 HP, यानी कि बिल्कुल नाम भी नैनो लेकिन काम बहुत तकड़ा जी। इसके बारे में बताइए आप। ये सर जी हमारा सबसे छोटा चाप कटर है। जैसे कि कई किसान लोग क्या रखते हैं, 1 से 4-5 पशु तक रखते हैं, तो उनके लिए ये मशीन बेस्ट रहता है। इसमें क्या रहता है कि 2 ब्लेड वाला मशीन आता है और 1 HP मोटर से ऑपरेट कर सकते हो आप इजीली। यानी कि घरेलू जो सिंगल फेस की मोटर है उससे हो जाएगा ना, सिंगल फेस के कनेक्शन से। घरेलू जो सिंगल फेस लाइट रहती है उससे आप यूज कर सकते हो। अच्छा, तो 1 घंटे में कितना मतलब चारा काट देती है? 1 घंटे में इसकी कैपेसिटी 300 से लेकर 400 किलो के रहती है। गीला हो चाहे सूखा हो, सभी प्रकार का आप कटिंग। अच्छा, गीला सूखा सब कर सकते हैं? गीला सूखा दोनों कर सकते हैं। उसके बाद में ये मॉडल L10 आपने ले रखा है, तो ये कितने पशुओं के लिए है और कौन से किसानों के लिए काम में आता है? ये हमारा L10 मॉडल है। ये जैसे कि 4 ब्लेड में आता है और ये ऑटोमेटिक रोलर सिस्टम वाला रहता है। 1 पशु से लेकर 10 पशु के लिए आप इसे यूजली आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2 HP मोटर से ऑपरेट हो सकता है। अच्छा, और सिंगल फेस या 3 फेस? जैसे सिंगल फेस भी हो जाएगा और 3 फेस भी हो सकता है। अच्छा, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। 1 घंटे में कितना काटेगा ये? 1 घंटे की कैपेसिटी रहती है 700 से लेकर 800 किलो तक, 1 टन के आसपास भी उसकी कैपेसिटी रह सकती है। गीला हो चाहे सूखा हो, सभी प्रकार का कटिंग आप इजीली इससे कर सकते हो। 4 ब्लेड में आएगा जी, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद में फिर आपने L10 Plus लगाया है। इसमें तो शायद मेरे ख्याल से कुछ आटा वाटा भी बनाते हो क्या इसी में? जी, ये हमारा जो मॉडल है L10 मॉडल है, इसमें मॉडिफाई करके L10 प्लस मॉडल बना है। जिसके इसकी खासियत क्या रहेगी, ये आटा चक्की में आएगा। किसान लोग को क्या रहता है कि पशु के लिए आटा दलिया भी बनाने का रहता है, तो क्या आटा चक्की रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, साथ में आटा चक्की आ जाती है। जैसे कि सेम आटा चक्की घर के लिए आती है, उस तरह से इसमें आटा दलिया मसाला सब निकल जाए। जैसे इसमें 6 प्रकार की जाली आ जाती है, आटा